जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होगी और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है, और ये जो काम रहेगा लगभग मैं आपको पूरी चीज़ इसके अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें जो आपका काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ अगर आप रेडी हैं तो, आपको कहीं भी हैं तो आप अपना मेडिकल कराइए, उसके बाद में तुरंत इंशाल्लाह मूव होएगा और 4-5 दिन के अंदर स्टैंपिंग होगा, टिकट आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको 5 तारीख या 6 तारीख तक इसमें फ़्लाइट करनी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जाना चाहते हैं तो सिर्फ़ जल्दी ही कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि ये वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और कोई भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहता है तो पहले पूरी कंडीशन जान लें, उसके बाद में हमें कॉन्टेक्ट करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होंगे कि मैंने थंबनेल वगैरह जो लगाया है और जो टाइटल लिखा है उसी को देख के कॉल डायरेक्टली कर देंगे, तो पहले वीडियो देखें उसके बाद में कॉल करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरब रियाद से है, रियाद सिटी। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमें कैंडिडेट चाहिए वो चाहिए पैकिंग हेल्पर और क्लीनिंग लेबर, और इसमें जो चाहिए वो असिस्टेंट स्टोर कीपर, सुपरवाइज़र। और अब मैं आपको सारी चीज़ बता दूं कैसे कैसे इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कैसे आपकी इसमें जो पोस्ट आपको मिलेगी। तो सबसे पहले, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी एज 21 से 30 साल के अंदर है, 30 साल से ऊपर नहीं इसमें कैंडिडेट चलेगा, 30 साल के अंदर चलेगा, 21 से ऊपर चलेगा, तो अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको इंग्लिश आता है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन MBA BBA जो भी है, जिस कैटेगरी की आपकी क्वालिफिकेशन, किसी भी फील्ड की क्वालिफिकेशन हो, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है और इसमें आप जाना चाहते हैं, तो शुरू में आप जब जाएंगे तो आपको सिर्फ असिस्टेंट स्टोर का काम मिल जाएगा और या फिर पैकिंग का आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। ये दो काम में से कोई भी काम आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप सऊदी अरब पहुंचते हैं, उसके बाद में जिस लेवल से आप अरबी सीखेंगे, उसके बाद में आपका जो है पोस्ट, वो जो प्रमोशन आपको मिल जाएगा, जैसे आपको अरबिक लैंग्वेज आ जाएगी, 2 महीना, 3 महीना या 5 महीना, जितनी जल्दी आप वहाँ पे जाकर स्किल्स अपनी डेवलप करेंगे उसकी इन्वायरमेंट के हिसाब से, आपको उसी के हिसाब से आपको जो है वहाँ पे सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी उसी के रिगार्डिंग, और आपकी पोस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो आपको नॉर्मली इंग्लिश आता है, सिर्फ अपना नाम, अपना थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो आपको क्लीनिंग का काम मिलेगा, और अच्छा इंग्लिश आता है तो आपको पैकिंग का, और ज़्यादा ही अच्छा इंग्लिश आता है तो आपको पैकिंग का तो काम मिलेगा ही, साथ साथ स्टोर कीपर का भी मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर सामान आपको जो स्टोर कीपर में होता है, सामान रखना वखना होगा, ये सारा काम आपको मिलेगा, ठीक है। और जैसे आपको वहाँ पे पहुँचेंगे, उसके बाद में आप 2-3 महीने काम करेंगे, तो आपकी जो है वहाँ पे पोस्ट जो है ऊँची हो जाएगी, सुपरवाइज़र, जैसे कि मैनेजर या टीम लीडर जो भी है, उसी के हिसाब से जैसे यहाँ से जो बंदे जाते हैं उनको हैंडल करना, कोई भी चीज़ है उनको संभालना, कोई परेशानी है किसी को तो उनको देखना, फिर अपने जो बात है वो अरबी में अरबी को बताना, ये सुपरवाइज़र, एज ए सुपरवाइज़र मानिए इसको, तो ये काम भी आपको वहाँ पे जाकर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से जो जाएंगे आप, वो पैकिंग के काम पे जाएंगे, और इसमें जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो 9 घंटे की रहेगी। कंपनी आपको जो प्रोवाइड करिए, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, अदर बेनिफिट जो है आपको सऊदी के लेवलों के हिसाब से प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये 9 घंटे की ड्यूटी की जो सैलरी आपकी होने वाली है वो 1200 रियाल होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाने के लिए इंटरेस्ट हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर नीचे कॉन्टैक्ट करें, और अगर फ़ोन नहीं लग पाए तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें। जैसे ही आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आपको इंग्लिश वगैरह अच्छी आती है तो आपका डायरेक्टली इंशाल्लाह कहीं भी हैं आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद में तुरंत मूफा हो जाएगा, और ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आपका पास में पैसे का बंदोबस्त है तभी हमें कॉन्टैक्ट करें, ऐसा नहीं है कि आपको ये जो काम है इंशाल्लाह 5-6-7 दिन के अंदर आपको फ्लाइट मिल जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, और जो पैकिंग करना होगा वो किस चीज़ का करना होगा, बहुत सारे भाई बंधु का ये क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे क्या है, कोई भी कंपनी ऑनलाइन वगैरह, जैसे अपने इंडिया में चलते हैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो ये ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं बंदे कोई भी,
उसकी जो पैकिंग करते हैं जो लोग, तो वो पैकिंग आपको करनी होगी। वहाँ पे क्यूआर कोड वगैरह का जो है वो भी देखना होगा आपको, पैकिंग भी करनी होगी, तरह तरह के सामान आपको पैकिंग करने होंगे। उसका ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, इसी तरह से आपको पैकिंग वगैरह करना रहेगा। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें जाना चाहता है पढ़ा लिखा, तो वो भी जा सकता है, और थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश वगैरह आती है तो वो तो उसमें क्लीनिंग में और पैकिंग में जा सकते हैं। तो मैंने सैलरी भी आपको बता दी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर कोई भी इसमें कैंडिडेट जाना चाहता है तो हमें कॉन्टैक्ट करें, वेरी अर्जेंट है, और डायरेक्टली दिल्ली ऑफिस आए, ऑफिस आने के बाद में अपना काम शुरू कराए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है अभी ये आपकी प्रोफाइल से जॉब मैच कर देना हो, लेकिन इन फ्यूचर में आपकी प्रोफाइल से मैच करती जॉब लेकर आ जाऊँ तो आप उस पर अप्लाई कर सकें। तो चलिए फिर, आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।